आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन भर के अनुभव के आधार पर जो भी कुछ कहा है वो बातें आज की युवा पीढ़ी को जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि वो बातें आज के परिवेश में भी सटीक साबित होती है। आचार्य न सिर्फ असाधारण बुद्धि के धनी थे बल्कि तमाम विषयों के ज्ञाता भी थे। आज की पीढ़ी के लिए वह किसी मैनेजमेंट गुरु से कम नहीं। आचार्य ने जीवन के करीब करीब हर पहलू पर अपने विचार साझा किए हैं। धन को लेकर आचार्य का मानना था कि धन व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है, इसलिए धन का हमेशा संचय करना चाहिए। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब आपका संचय किया हुआ धन काम आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में धन को लेकर कभी परेशान ना होना पड़े तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को हमेशा याद रखें। चाणक्य चूंकि अर्थशास्त्र के परम ज्ञाता थे, मानव कल्याण के लिए उन्होंने चाणक्य नीति नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ यह जो ग्रंथ जो सामान्य रूप से प्रचलन में है, इसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र और लोगों की जो सामाजिक और व्यवहारिक व्यवहार रीति रिवाज है उससे संबंधित उन्होंने चर्चाएं की हैं। मनुष्य जीवन के पहलुओं पर गहराई से उन्होंने अध्ययन करके अपने अनुभव साझा किए हैं। तो उनमें से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि किन व्यक्तियों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, या कौन व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, या किस प्रकार का व्यक्ति जो है अपने जीवन में धन से और सफलता से युक्त होता है, तो उनमें क्या गुण होना चाहिए। तो पहला उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति सदैव अन्न का सम्मान करता है, हमें हमारे जीवन में कभी अन्न को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। अन्न का एक दाना भी महत्वपूर्ण होता है और यदि हम अन्न का सम्मान करते हैं तो निश्चित ही हमारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। हमें ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए, अर्थात जो गुरुजन हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विवेकी हैं, जो संत हैं, जिनको विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों का हमको सम्मान करना चाहिए। यदि हम उन ज्ञानी जनों का सम्मान करते हैं तो भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। परिवार में पति पत्नी के मध्य सामंजस्य पूर्ण व्यवहार रहना चाहिए, पति पत्नी को जो है प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, घर में जो अन्य परिजन हैं उनको भी जो है प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, परिवार में शांति का वातावरण बना रहना चाहिए। यदि इस प्रकार हम हमारे परिवार में प्रेम पूर्वक रहते हैं और शांति पूर्वक रहते हैं तो भी हमारे ऊपर निश्चित ही भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि हम आपस में परिवार में कलह करते हैं, झगड़े करते हैं, तो जहाँ झगड़े और कलह होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी कभी रहती नहीं है, वे वहां से चली जाती हैं। इसलिए हमें हमारे परिवार में हमेशा जो है शांति पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार ये मुख्य बिंदु हैं। इस प्रकार यदि व्यक्ति जीवन यापन नियम पूर्वक करता है तो निश्चित ही उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वह एक सफल व्यक्ति होता है और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति होता है। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।